आज दो ट्रेलर रिलीज हुआ है पता है सुजी, एक है फर्जी मूवी एंड दूसरा है दमन। दमन दमन उड़िया मूवी है तो उसका ट्रेलर रिएक्ट करेंगे, एंड द फर्स्ट है फर्जी जिसमें है शाहिद कपूर और विजय सेतुपति, सेदुपति। साथ साथ राशि खन्ना है एंड के मेनन। भाई कास्ट तो बहुत सही बहुत लग ही रहा है यार, हाँ एंड लिटरली मैं एक्साइटेड हूँ इस ट्रेलर के लिए कि देखते हैं कैसा हो सकता है ट्रेलर। वैसे यार ठंडा बहुत है यार हाँ मुझे सुबह सुबह जॉब पे जाना पड़ता है, मन नहीं करता कि मैं जॉब पे जाऊँ, मैं मैं क्या ओला कर करूँ। देता हूँ ले जा अपने, तो मैं नहीं मैं जा देख रहा रहे हो ओला कर देते भाई, हैं, ठंड ये पूरा कांपने लगता है हाथ देते बाइक चलाने में, हालत खराब हो जाता है भाई अपनी तो ये मजबूरी है, जाना है। इतना ठंडा में ट्रेलर रिलीज करते, मेरे को वीडियो देखने में भी ठंड लगता है लिटरली। अभी आई है एंड देन हम लोग शूट कर रहे हैं ठीक ना। चलो फिलहाल सबसे पहले देखते हैं हम लोग फर्जी मूवी का ट्रेलर, फर्जी लाइक शाहिद कपूर का ट्रेलर, चलो देखते हैं। पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। एकदम सही, साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। ये अमीर लोग ने सिस्टम बनाया जिसमें जिंदगी भर गरीब उधार चुकाएगा और अमीर ब्याज खाएगा। हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल फिंगर क्लास है। साला इस सिस्टम को तोड़ने के लिए क्रांति लानी पड़ेगी। तू पागल हो गया क्या? अब नकली नोट बनाएंगे? ये नोट भी तो किसी इंसान ने बनाया, बना डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है, लेकिन मैं सब में एक्सपर्ट हूँ, सबकी कॉपी बना सकता हूँ। तेरी लाइफ में ग्लैमर आएगा तो तू क्या करेगा? फुल आईफोन, फुल चेन, एकदम लूडाक्रिस जैसा। लूडाक्रिस नहीं, लुक्खा क्रिस लेगा तू। कामयाबी का राज पता है क्या? डर। जब तक नीचे आग नहीं लगती ना, तब तक इंसान रॉकेट नहीं बनता है। तुम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो ना? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। फिरोज की कसम, द डिजाइन इज ब्रिलियंट सर, रोकना पड़ेगा नहीं तो रुकेगा नहीं। इससे बड़ा लोड आज तक नहीं आया। इतना पैसा है कि पूरा ऑफिस भर सकता है। सबके अंदर चोर है, सिर्फ चांस के लिए वेट करता है। अब की गलती हुई तो यूनिट बंद कर दूंगा और तुझे निष्कासित। सर व्हाट इज निष्कासित सर? टर्मिनेशन। मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है। क्रेजी मैन। 10 फरवरी, वाह वाह, क्या प्रेस, मतलब व्हाट अ क्रेजी, मतलब सच में प्रेस ट्रेलर, जबरदस्त ट्रेलर प्रेस। सुजी कुछ ज्ञान दीजिए आप मूवी के सुजी का ज्ञान लेते हैं पहले, सुजी थोड़ा सा जल्दी वीडियो वीडियो में ज्ञान दे थोड़ा सा, मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या। ऑलराइट गाइस, तो लिटरली मूवी बहुत ज्यादा फ्रेश है या बहुत ही फ्रेश है, और वो जो बोलता है मिनिस्टर, मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है एंड हां वो विजय सेतु का था ना, विजय सेतु वो तो ऑसम यार, विजय सेतु निष्कासित, अरे मतलब टर्मिनेटर ट्रांसलेटर बना के रख दिया। एक चीज तो बोलूंगा भाई कि शाहिद कपूर जो शुरू में जो उसका पूरा फेस का जो क्लोज लुक था ना, मुझे बहुत ऑसम लगा, बहुत ऑसम। और जो डायलॉग्स था कि वो डायलॉग जो तुम्हारा है क्या था कि पैसे से खुशियां नहीं मिलती, वो सिर्फ जो जिनके पास नहीं है वही बोलते, मैं इसमें बहुत ज्यादा सहमत हूँ, बहुत ज्यादा सहमत हूँ। दूसरा ट्रेलर देखते हैं ना, फिर लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रेलर तो मुझे लगा यार एक नंबर। दमन ट्रेलर है जो कि आया है कोरिया, सॉरी उड़ीसा, उड़िया मूवी है, उड़िया मूवीज है एंड हमको भी खा। अभी जवान हो तो नई नई जगह एक्सप्लोर करो, नए नए लोगों से मिलो, उड़ीसा से बाहर थोड़ी भेज रहे हैं जो घबरा रहे हो, जाओ मजे लो नई जगह के। सर इस पूरे इलाके का सबसे बढ़िया क्वार्टर है सर।
यह नेटवर्क कौन सा है? नहीं सर, कोई भी नहीं आता, टावर ही नहीं है तो नेटवर्क कहाँ से आएगा? ज्यादा खिड़की मत खुला खुली कीजिए। क्यों सर, जंगली एरिया है ना, तो सांप अंदर घुस जाते हैं। यहाँ सांप भी आते हैं? सुनो, इसे कोई भूत भूत नहीं लगा है, मलेरिया हुआ है क्योंकि इसे मच्छर ने काटा है। महात्मा गांधी एकला चल नीति पर चले थे, वो आगे आगे चलते थे और सब लोग उनको फॉलो करते थे, जानते हो ना? सर 151 गांव है, बहुत अंदर जाना पड़ेगा, कदम कदम पर खतरा है सर। पता है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डर। You know, Odisha is among the top contributor in malaria cases. एक मच्छर ने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रख दिया है। टूटी दीवारों से कह रहे मुरादें अनसुनी, कतरा बचा हो जो सांसों में थाम लूं क्या मैं अभी। आप सिर्फ यहाँ ड्यूटी करने नहीं आई हैं, आप लोगों की जान बचा रही हैं और लोगों को सुरक्षित नींद दिलाने के लिए पहले उन्हें नींद से जगाना जरूरी है। वोट नहीं है मतलब क्या? मुझे अभी इसी वक्त इसे मालकनगिरी हॉस्पिटल पहुंचाना है। हॉस्पिटल है तो वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बचेंगे कैसे? मैंने कहीं पढ़ा था सर, एक अच्छा डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है, लेकिन एक महान डॉक्टर बीमार को ठीक करता है। कौन है बेतू? सिद्धार्थ मोहंती। यहाँ क्या कर रहा है? मैं जनबाई पीएचसी में डॉक्टर हूँ। डॉक्टर देखने में तो नहीं लगता। थर्ड फरवरी को गाइस, भाई ये बहुत ज्यादा सोशल मैसेज वाला मूवी है, तो मुझे बहुत सही लगा कि बहुत सारी चीज जो खामियां आपके समाज में है, जो लोग पहले भी मानते थे और अभी भी मानते हैं, उस चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो गलत है, गलत है। राइट, लाइक मच्छर काट ले और उसके बाद वो लोग झरवाने जा रहे हैं तांत्रिक के पास। ये चीज तो एक चीज दिखाया, बहुत बड़ा कल्प्रिट होते हैं तांत्रिक लोग। मैं नहीं विश्वास करता तांत्रिक लोग में यार, लिटरली आवाज अगर डबल आ रहा है तो आपके अंदर भूत है, भूत है। बट वो एक साइको, मतलब साइको प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम होता है, मेंटल इलनेस। लाइक लोग ना एंजाइटी से परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, आजकल लोग कोई बोल दे कि मैं डिप्रेस हूं, विजुअलाइजेशन भी होता है कि आदमी ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, लेकिन वो एक बीमारी है, बीमारी है। लेकिन लोग क्या होता है कि अरे भूत देख लो, भूत, किसी किसी को आवाज भी सुनाई देता है, वो भी एक बीमारी है। लेकिन नहीं, वो सब भूत में आ जाता है और उसके बाद लोगों को तांत्रिक के पास ले जाओ झरवाने के लिए। भाई ये चीज सब बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे बदल भी रहे हैं लोग, एंड बहुत जरूरी है कि गाइस इस चीज से आप लोग भी टैकल करो। कोई अगर डिप्रेस है आपके घर में तो क्या नहीं देने का। बाकी मूवी की बात करें तो सच में बताऊं मेरे को अच्छा लगा, एक वो नाव वाला सीन की पहले, आज भी आज के टाइम में भी लोग नाव से ट्रेवल करते हैं, जो जो उनको बोट से ले जाना पड़ रहा है बीमार आदमी को, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। ये चीज है यार, गवर्नमेंट को इस सब चीज पे देखना चाहिए और सबको, गांव को भी कनेक्ट करना चाहिए शहर से, और बहुत सारी गवर्नमेंट कर भी रही है, धीरे धीरे आई होप सून हो जाए। मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, लिटरली सोशल मैसेज के साथ था, एंड ये फिल्म मैं चाहूंगा कि मुझे देखने को मिले, देखने को मिले। 3 तारीख को है तो मैं सुन इसको भी देखेंगे, हिंदी में आ गई तो हम लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे, देखते किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता है उसके बाद देखेंगे, ठीक ना। एंड गाइस आपको कैसा लगा दोनों ट्रेलर में, उसके बारे में बात करें, एंड मुझे तो फर्जी ट्रेलर भी बहुत सही लगा, गजब लगा सच में। आई एम एक्साइटेड फॉर कॉन्सेप्ट आया है, सो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या करते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट बॉलीवुड वाले अब चालू किए और सही किए, नहीं करेंगे ना तो उनकी मूवीज जो कॉपी पेस्ट कर रही है नहीं चलने वाली है। लाइक कॉन्सेप्ट साउथ के कुछ एक्टर्स कुछ बॉलीवुड मिलाए, एंड नए नए रीजन के कैरेक्टर्स को लाएंगे, एक्टर्स को लाएंगे, तो लोगों को नए एक्टर्स के साथ ना कनेक्टिविटी मिलेगा और सच में इंजॉय करेंगे लोग। यार आपको कैसा लगा दोनों में?